चलिए तो पैराग्राफ वाले वो क्वेश्चन तो इजी थे दोनों, उसके बाद तुम लोगों ने कर ही लिए होंगे। उसके बाद ये वाले दो क्वेश्चंस जो है ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। यस सर। यस बेटा। यस सर। यस सर। ओके। कौन प्राणी बार बार मैसेज करे जा रही है? सर इवनिंग में है क्या क्लास? नहीं बेटा अभी इवनिंग में नहीं रखेंगे, अभी ये वाला ठीक है, मतलब 1.5 घंटे की क्लास जो है वो अभी ये मॉर्निंग वाला, ये वाला टाइम बिल्कुल सही है, एकदम सही है, ठीक है ना। सुबह सुबह ऐसी बहाने तुम जल्दी उठ भी जाया करोगे। इसको 7:30 से कर देंगे इस वाली क्लास को? यस yes, सर कर दो। है ना? यस नो सर। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं डिसाइड करके एक बार के लिए सर से और डिस्कस कर लूंगा, है ना, फिर उसके बाद बताते हैं तुम्हें कि ये वाला 8:30 वाला टाइम सही रहेगा या कैसा रहेगा। ओके ओके सर। ओके। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए भी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, अवश्य क्यों नहीं। चलिए लिखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल मैट्रिक्स ऑफ टू नॉन नल मैट्रिक्स टू नॉन नल मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स देन बोथ द मैट्रिक्स आर बोथ द मैट्रिक्स आर सिंगुलर मैट्रिक्स। बोथ द मैट्रिक्स आर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये रही वाली बात बेटा जी, देखिए भाई। यस सर। इसके पहले हम बात कर लेते हैं, इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं भाई। अपने को ये कह रहे हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स थे ए और बी, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स सिंगुलर। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आ रहा है। यस सर। तो अपन ने क्या किया, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, भाई ये कह रहा है कि तो दोनों ही सिंगुलर होंगे, अपन इसका अपोजिट लेकर के चल लेते हैं। अगर ये वाली बात सही नहीं हुई तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा, कॉन्ट्रडिक्शन से बोल देंगे। ये रही वाली बात, अपन ने बोला कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन क्या हो जाएगा भाई, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं भाई? अगर नॉन सिंगुलर है तो एग्जिस्ट कर रहा होगा भाई। यस सर करेगा। यस सर। क्योंकि नॉन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। ओके तो बोथ साइड अपन क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भी? इनवर्स। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो बी इक्वल आ गया इसके नल मैट्रिक्स के। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अपन क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू कि बी एक नॉन नल मैट्रिक्स है। नॉन नल मैट्रिक्स है ना, बी क्या था, नॉन नल मैट्रिक्स था। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। तो ऐसे अपन क्या बोल देंगे, सो ए ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स सिमिलर फॉर मैट्रिक्स बी,
सिंगुलर बी के लिए भी अपन बोल सकते हैं कि बी को भी कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। क्लियर हुआ है बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भैया। डन सर। डन वेट। यस सर। ओके चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर इस पे क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। इस पे ऑर्थोगोनल पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। ओके ये तो अच्छी बात है। ठीक है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन एज ऑर्थोगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी। ये होती है ऑर्थोगोनल की कंडीशन। And the determinant value of orthogonal matrix is plus minus one. क्योंकि देखिए भाई अपने को अच्छे से दे रखा है कि ए का ए इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपन क्या करें बोथ साइड क्या कर दें डिटरमिनेंट ले लें भाई। बोथ साइड अपन क्या कर लें डिटरमिनेंट ले लेते हैं। बोथ साइड जैसे ही डिटरमिनेंट लोगे तो ये जाकर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अपने को पता है अच्छे से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है इक्वली को होता है बेटा जीरो वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 1। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस यस सर। ओके नोट डाउन कीजिए। Yes, sir. Done, sir. Done. Yes, sir.
बट इसका ऑपोजिट से नहीं है, कोई भी जो डिटरमिनेंट दे रखा उसका अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा उसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू प्लस वन या माइनस वन आ रहा है तो इसका मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि ऑर्थोगोनल है, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जरूर प्लस माइनस वन आएगा। ओके ओके सर, यहाँ पे लिख लेना बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके तो इसमें लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेम एज इट्स transpose. Inverse of orthogonal matrix is same as its transpose. Orthogonal matrix दे रखा उसका अगर inverse find out करने के लिए कह रहा है तो अपन सीधे direct क्या कर सकते हैं भाई? सीधे direct ही उसका क्या कर सकते हैं? Transpose जो भी matrix दे रखा उसका सीधे transpose find out करते हैं। तो वही हो जाएगा, okay? क्योंकि ऐसा तो अपने को अच्छे से पता है कि a into a का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, i के ऑर्थोगोनल की, ये तो कंडीशन है, बोथ साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a इनवर्स a into a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या बन गया भाई आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी into a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a इनवर्स i, तो क्या हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटरचेंज रो बाय कॉलम, क्लियर है वाली बात बेटा सबको अच्छे से? यस सर, यस सर। चलिए भी उसके बाद लिखते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखे let A is any orthogonal matrix A is any orthogonal matrix and B is any square matrix, B is any square matrix of order same as A, है ना, A जो order A का है उसी order का A क्या दे रखा है अपने पास, square matrix दे रखा है, ये वाली बात बेटा जी। Then A का transpose into b की power n into a can be written as a का transpose into b into a to the power n, where n is positive integer. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेने वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर, यस सर।
प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन इज लेट पी इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय टू वन बाय टू माइनस ऑफ वन बाय टू एंड रूट थ्री बाय टू. सी अपने पास गिवन है कोई भी एक मैट्रिक्स पी एंड ए इज वन वन जीरो वन ए इज वन वन जीरो वन क्यू इज इक्वल्स टू पी ए पी इनवर्स पी ए पी इनवर्स सॉरी पी ए पी का ट्रांसपोज है ना क्यू इज पी इंटू ए इंटू पी का ट्रांसपोज एंड या फिर then find P का ट्रांसपोज इंटू क्यू टू द पावर 2005 इंटू पी ये फाइंड आउट कर. तो ये वाला जो भी फॉर्मेट है ये कुछ हद तक कैसा लग रहा है? ऐसा कुछ फॉर्मेट दिख रहा है अभी. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या होना चाहिए? ये P अपने को कंफर्म होना चाहिए कि P कैसा होना चाहिए. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. ऑर्थोगोनल तो पहले चेक करो कि P जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं. अपन क्या करेंगे P इंटू P का ट्रांसपोज फाइंड आउट करके चेक करेंगे. P इंटू P का ट्रांसपोज हो जाएगा रूट थ्री बाय टू. यस सर ऑर्थोगोनल है P. माइनस वन बाय टू रूट थ्री बाय टू इंटू ये हो जाएगा रूट थ्री बाय टू वन बाय टू और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाय टू और ये हो जाएगा रूट थ्री बाय टू. तो जैसे इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या आ रहा है वन जीरो जीरो वन दैट इज आई. तो पी इंटू पी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है. इट इंप्लाइज दैट सो पी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? यस सर. ओके आप देखिए भाई आगे कंडीशन बना करके बताइए उसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है. मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा क्योंकि ये क्या है पी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही है. क्यू टू द पावर 2005 ये भी मैट्रिक्स ही है और पी भी क्या है अपना मैट्रिक्स ही. तो ओके तो देखिए भी यहाँ पे अपन क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी पी का ट्रांसपोज इनटू क्यू टू द पावर 2005 इनटू पी को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ क्योंकि पी ऑर्थोगोनल है. तो मैं इसको क्या राइट डाउन कर सकता हूँ पी का ट्रांसपोज इनटू क्या हो जाएगा क्यू इनटू पी टू द होल पावर कितना हो जाएगा 2005 हो जाएगा बेटा. यस और नो? यस यस सर. ओके तो क्या हो जाएगा भाई पी का ट्रांसपोज इनटू क्यू का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं. क्यू का वैल्यू क्या गिवन है अभी अपने पास पी ए पी ट्रांसपोज पी ए पी का ट्रांसपोज इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये रहा अपना पी टू द होल पावर क्या हो जाएगा 2005 हो जाएगा. तो देखिए पी इंटू पी का ट्रांसपोज क्या है अपना आइडेंटिटी. पी इंटू पी का ट्रांसपोज इंटू पी क्या है अपना आइडेंटिटी. तो ये तो आइडेंटिटी बन गई रिमेनिंग क्या रहेगा ओनली ए. तो ये हो जाएगा ए टू द पावर कितना 2005 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ ये सबको अच्छे से बेटा? अरे आया क्या समझ में सबको? यस सर. बेटा
यस सर चलिए ओके तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा सर लास्ट पेपर ना कैसा हुआ पेपर सब लोगों का सर ये क्या पूछ लिया आपने कैसा हुआ पेपर ओके चलिए तो क्वेश्चन पेपर के अंदर जिसको भी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे सेंड कर देना ताकि मैं उनको जो भी सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवा दूं ओके ओके सर ओके बेटा चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए मस्त रहें व्यस्त रहें बढ़िया से रहें ओके थैंक यू सर थैंक यू सर आज इवनिंग के अंदर क्लास रख लेते हैं इवनिंग की में भी होगी क्लास ठीक है सर मॉर्निंग वाले टाइम का डिस्कशन भी कर लेना हाँ मॉर्निंग वाले टाइम का भी अपन कर लेंगे ना ओके सर ये वाला टाइम ठीक लगा मुझे एकदम फ्रेश माइंड से बढ़िया पढ़ा यस सर यस सर